आपको कैसा लगे जब आपकी जान बचाने वाली जगह ही आपकी जान ले ले। ये कहानी है एक हॉस्पिटल सेंट जॉर्ज की। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल शहर का सबसे नामी और पुराना हॉस्पिटल था, जो दिन की चहल पहल में जितना गूंजता था, रात में उससे भी ज्यादा शांत होता था। और फिर हॉस्पिटल में कुछ रातें ऐसी गुजरने लगी जो शांत तो थी, मगर हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में बेड नंबर 6 पर पड़ा पेशेंट डेविड दर्द की वजह से सो नहीं पा रहा था। लगता है आज तो ये दर्द मेरी जान लेकर ही रहेगा। सिस्टर सिस्टर, कोई है यहाँ? प्लीज मुझे नींद का इंजेक्शन दे दो। तभी नर्स सूजी आती है। अरे तुम सोया नहीं अभी तक? तभी डेविड के कानों में एक आवाज आती है। कौन है, कौन है यहाँ? लगता है तुम पागल हो गया है, मैं अभी डॉक्टर को भेजकर तुम्हें इंजेक्शन दिलवाती है। और सूजी वहाँ से चली जाती है। डेविड वार्ड के चारों ओर देखता है कि तभी उसे चारों ओर से अपना नाम सुनाई देता है। डेविड डेविड सो जाओ डेविड डेविड। डेविड कान बंद करते हुए जोर से चीखता है। कौन हो तुम? तंग मत करो मुझे। और फिर डेविड को बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और वो खुद को चादर से ढक लेता है। जैसे ही आवाज रुक जाती है, डेविड चादर उठाकर देखता है तो दरवाजे पर डॉक्टर खड़ी थी। अच्छा वो डॉक्टर तुम आ गई, वरना मैं तो पागल हो जाता। डॉक्टर बेड पर लेटी डेविड का हाथ पकड़कर उस पर सुई लगा देती है। सो जाओ डेविड। डेविड ये आवाज सुनते ही चौंक जाता है और तभी उस डॉक्टर का चेहरा रोशनी में आता है, जो पूरा जला हुआ है। कौन हो तुम? बचाओ! मगर डेविड की कोई आवाज नहीं निकलती है और सामने खड़ी डॉक्टर उठकर छत से चिपक जाती है और डेविड की ओर देखकर मुस्कुराती है। सो जाओ डेविड, तुम्हारा समय अब खत्म हो गया, अब उनकी बारी है। और डेविड का शरीर छत की ओर देखता हुआ ऐसे मुड़ जाता है जैसे उसमें हड्डी ही नहीं हो। कुछ देर बाद सूजी वहाँ से गुजरती है। सो गया ना तुम डेविड? डेविड तो मर चुका था, वो कैसे बोलता? बेटा टेबल पर 3 हॉस्पिटल्स के लेटर पड़े हैं, उनमें से कोई चूज कर ले। नहीं माँ, नहीं नहीं नहीं। पर आखिर उस सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है? माँ वो शहर का सबसे बड़ा और पुराना हॉस्पिटल है, वहाँ पर जूनियर डॉक्टर बनकर जाना मेरे लिए एक सपने जैसा है। पर बाकी अस्पताल भी बहुत बड़े हैं बेटा, मेरा मन नहीं मान रहा तुझे वहाँ भेजने का। माँ पर बाकी अस्पताल के साथ मेरी यादें तो नहीं जुड़ी हैं। आपको याद है जब आपकी हार्ट सर्जरी हुई थी उस हॉस्पिटल में, तब मैं रात भर आपके पास बैठकर रोती थी। और फिर एक दिन शिवानी को उसकी माँ का सर्जन डॉक्टर रॉय अपने केबिन में बुलाता है। बेटा रोते नहीं है, देखो अगर तुम मेहनत करोगी तो ऐसे ही एक दिन तुम भी डॉक्टर बन सकती हो और फिर तुम खुद अपनी माँ के लिए बीमारी से फाइट कर सकती हो, राइट? यस डॉक्टर अंकल। और रॉय शिवानी को चॉकलेट देता है। माँ वो आज डॉक्टर बनने की प्रेरणा मुझे उन्हीं से मिली है। आज मेरे पास मौका है माँ कि मैं डॉक्टर रॉय के साथ काम कर सकती हूँ। पर तूने वहाँ के बारे में पढ़ा नहीं है क्या? वो हॉस्पिटल तो शायद हॉन्टेड है। शायद है ना माँ, कुछ पक्का नहीं पता, और जरूर कोई फेमस चीज को बदनाम करने की साजिश कर रहा होगा। ये भूत वूत कुछ नहीं होते, और अगर भूत आया भी तो मैं कह दूंगी साफ साफ कि अभी मुझे मेरा सपना पूरा करने दे, तू बाद में आना। मेरी पागल बेटी। और शिवानी हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए चली जाती है और शिवानी भी वहाँ आ जाती है। और मैं डॉक्टर को बुलाने गई, तब तक डेविड ठीक था। कुछ देर बाद मुझे उसकी कुछ आवाजें भी आई, न जाने वो किससे बात कर रहा था। तभी सब लोग उसके बेड के पास जाते हैं और उसके कमरे के कॉर्नर पर सो रहे पेशेंट ने हमें इशारा करके बुलाया। वो आई थी और आकर उसे भी ले गई, वो उन सबको ले जाएगी, सबको। वो कौन अंकल, किसके लिए कह रहे हो तुम? वही जो इसको लेकर गई। छत की ओर इशारा करते हुए, देखो ठीक किसी जगह थी वो और इस पर हंस रही थी, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। कौन थी वो बताइए अंकल, आखिर कौन थी वो? तभी एक वार्ड बॉय गणेश बोलता है। अरे छोड़ ना सूजी, तू भी किसकी बात सुन रही है, ये अंकल तो दिन में भी सपना देखता है, रात को कहाँ जाग रहा होगा। मगर गणेश क्या तुमने डेविड का बॉडी देखा था? ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में किसी ने गांठें लगा दी हो। चल चल अब ज्यादा मत सोच, काम करते हैं,
सब लोग अपना अपना। शिवानी चुपचाप बस ये देखती जा रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और शिवानी डॉक्टर रॉय के केबिन में जाती है और डॉक्टर को भी अपनी बचपन वाली घटना बताती है। रॉय शिवानी के कंधों पर हाथ रखते हैं और शिवानी को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखता है। ओह वाओ, हाउ वंडरफुल, अब तो तुम काफी बड़ी हो गई हो, मगर अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। आज एक प्रैक्टिस सर्जरी है, चाहो तो यू कैन ज्वाइन मी। मुझे बहुत खुशी होगी सर। सर नहीं, कॉल मी ओनली डॉक्टर रॉय। सर बोलने से दूरियां बढ़ जाती हैं और हमारे बीच दूरियां बढ़ गई तो हम साथ काम कैसे करेंगे। शिवानी बहुत खुश होती है और रॉय के साथ सर्जरी के लिए जाती है। सर्जरी के लिए जिसकी बॉडी इस्तेमाल की गई थी वो और कोई नहीं बल्कि डेविड ही था। तभी शिवानी वहाँ लड़कों को कुछ फुसफुसाते हुए सुनती है। पता है, ये भी बिल्कुल उन दोनों बॉडी जैसी ही थी जिनकी मौत पहले हुई थी, और इसके शरीर की गांठें खोलने में काफी हड्डियां टूट भी गई। मगर इसके शरीर की ये हालत हुई कैसे? मैंने कहा ना, ये सब उसी ने किया है। वो कौन है? तभी रॉय भी आ जाता है और बॉडी पर अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। रॉय जैसे ही डेविड के पेट में चीरा लगाता है, उसके अंदर से एक बहुत बड़ा चमगादड़ उड़कर बाहर आता है और कमरे में सबके ऊपर उड़ने लगता है। ये देखकर सब बहुत घबरा जाते हैं और फिर चमगादड़ खिड़की से बाहर चला जाता है। ये इसके पेट के अंदर से कैसे निकला सर? जरूर इन लोगों ने इसकी लाश को बाहर रखा होगा और वो मुँह के अंदर से चला गया होगा। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। और रॉय डेविड के सीने की हार्ट सर्जरी शुरू करता हुआ जैसे ही उसके सीने को चीरता है तो सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। सर, इसके तो सीने में दिल ही नहीं है, पर ये कैसे हो सकता है? रॉय भी ये देखकर घबरा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो घबराता हुआ बाहर चला जाता है। पर ये आखिर संभव कैसे है कि किसी के सीने में दिल नहीं हो? तभी वही बूढ़ा पागल पेशेंट दौड़ता हुआ शिवानी के पास आता है। दिल गायब है ना, वो तो वो ले गई अपने साथ। देखो वहाँ छत पर लटक कर खा रही थी, उसको भी नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे। आप क्या बोल रहे हैं अंकल? जानना चाहती हो कौन थी वो? तो जाकर उसी से पूछो। शिवानी बहुत डर जाती है। अब देखिए आगे की कहानी में आखिर कौन थी वो जो ये सब कर रही थी और कैसे शिवानी का इन चीजों से संबंध है। ऐसी दिलचस्प, डरावनी, रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल SSG एनिमेशन हिंदी को अधिक से अधिक प्यार दें।